हेलो एवरीवन वेलकम टू एस यूपी मेरा नाम वन्ना सिंह है इस वीडियो में हम यू पी पी 2022 के लिए मेंस आंसर राइटिंग जो है वो डिस्कस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द लीडर ऑफ इन इटली तो ये क्वेश्चन जो है यूपी पी एस में आया था एक वर्ड का ये आपको लिखना था एक वर्ड मतलब आठ मार्क्स तो आठ मार्क्स का क्वेश्चन था तो ये जी एस वन का टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री वहाँ से ये क्वेश्चन था तो इसमें आपको जो है एक क्रिटिकल नोट लिखना है ऑन फॉरेन पॉलिसी ऑफ मसोलनी द लीडर ऑफ फासिज्म इन इटली तो एक नोट लिखना है आपको फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मसोलि की तो ऑब्वियसली जो आप अपना आंसर जो है वो तीन स्टेप में स्टार्ट करते हैं पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे फिर उसके बाद जो है बॉडी लिखेंगे और फिर कंक्लूजन तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्रिटिकल नोट लिखो फॉरेन पॉलिसी ऑफ मसोनली के ऊपर तो सबसे पहले जो है आप एक इंट्रोडक्शन देंगे इंट्रोडक्शन में आप एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताएंगे एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मसोनली तो बेसिकली आप इसमें इंट्रोडक्शन में आप एक बताएंगे कि जो मसोनली की जो फॉरेन पॉलिसी है तो व्हेन ही केम इनटू पावर पार आफ्टर मार्च ऑन रोम 1922 टिल द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर ट्रू इन सितंबर 1939 तो मतलब इनिशियली आप जो है एक जनरल ओवरव्यू देंगे कि जो मसोन्नी फॉरेन पॉलिसी From when he came into power after March on Rome, nineteen ninety two. इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली क्या करते हैं कोई भी अगर आपका टॉपिक मतलब जो भी चीज़ पूछी गई है उसका आप थोड़ा सा ना बैकग्राउंड देते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या है एकदम से आप टॉपिक पे स्विच मत कर देना मतलब एक दो लाइन का एक दो लाइन का जो है बैकग्राउंड दीजिए फिर उसके बाद जो है आप बॉडी पे स्विच करना तो इसमें हम यही दे रहे हैं कि मनसानली की जो फॉरेन पॉलिसी है फ्रॉम व्हेन ही केम इनटू पावर आफ्टर मार्च ऑन रोम नाइनटीन नाइन्टी नाइनटीन until until the beginning of world war world war 2 in september 1939 तो uh, मसोलि की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिगेन हुई जब वो पार में आया आफ्टर मार्च और इतने में 1922 में रोम में और ये कब तक चली वर्ल्ड वॉर टू में वर्ल्ड वॉर टू तक 1931 तक तो बेसिकली uh, जो मसोलि की फॉरेन पॉलिसी थी उसका मेन एम था मेन एम टू एक्सपेंड इटालियन Empire and establish dominance. तो आप जो है पहले आपने ये लिखा कि मसोली जो है आ, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तब से स्टार्ट हुई उसका मेन एम था कि उसको इटालियन एम्पायर जो है उसको एक्सपेंड करना था और उसको जो अपना डोमिनेंस है उसको डेवलप करना था अब इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आप यहाँ दो तीन एग्जाम्पल्स देंगे दो तीन एग्जाम्पल्स देंगे पॉइंट्स में तो पॉइंट्स में आप इसको इसको ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और अब जो है आप इसको जस्टिफाई करने के लिए आप दो तीन पॉइंट्स देंगे पहला कि जब उसका फर्स्ट ईयर था जब उसका फर्स्ट ईयर पावर का था तो उसने जो है इन्वेड किया था करफू को ये एक ग्रीक आइलैंड है बेसिकली इसमें इन्वेड क्यों किया था क्योंकि इसे जो रिवेंज लेना था फॉर मर्डर ऑफ फॉर इटैलियन नेशनलिस्ट इटैलियन नेशनलिस्ट का जो है वो इसको बदला लेना था तो बेसिकली uh, ये इसकी इनिशियली जो है फॉरन पॉलिसी ये थी कि इसको इन्वेजन करना था और अपने लोगों का जो है बदला लेना था दूसरा ये है कि, आप ये बता रहे हैं न कि इसने ये जो है अपनी इटैलियन uh, जो uh, एम्पायर है वो कैसे एक्सपेंड uh, किया डोमिनेंस किया तो उसके आप इसको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं फिर क्या है फिर इसने इसको फर्दर एक्सपेंशन करना था इन टू अफ्रीका तो इसके लिए उसने क्या करा अपना होल्ड जमाया ओवर लीबिया तो यहाँ इसने डोमिनेंस दिखाया इन्वेजन किया यहाँ एक्सपेंशन किया एफ्रीका पे अपना होल्ड दिखाया और बेसिकली पर्टिकुलरली ये काम इसने इसलिए किया था क्योंकि इसको जो है इथोपिया के ऊपर होल्ड करना था होल्ड ऑन इथोपिया क्योंकि इथोपिया ने जो है वो इटली को डिफीट किया था इटली डिफीटेड बाय इथोपिया इन 1869 तो फाइनली जो है इथोपिया के अंदर इसने अपना होल्ड कर लिया इन 1936। फिर उसके बाद जो नाइनटीन uh, ये आप इसकी कुछ फॉरेन पॉलिसी को जो है एलोबरेट कर रहे हो कि किस तरह से इसने जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे इसने एक्सपेंशन किया कैसे डोमिनेंस किया आपने ये पॉइंट लिखा था ना कि uh, इसने एक्सपेंशन किया है और डोमिनेंस किया है तो उस चीज़ को आप यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हो फिर नाइनटीन नाइनटीन थर्टी नाइन में क्या हुआ कि इटली की तरफ से जो आपका मिसोलनी है जर्मनी की तरफ से हिटलर इन दोनों ने मिलकर एक जो है मिलिट्री अलायंस बनाया और उस अलायंस का नाम था पैक्ट ऑफ स्टील पैक्ट ऑफ स्टील तो इसमें जो है अलायंस बनाया इसमें यह था कि इट ईच कंट्री हैड टू टेक पार्ट इन एनी कंफ्लिक्ट इन्वॉल्व द अदर तो मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा है दूसरी कंट्री से रिलेटेड तो एक कंट्री को जो है इसमें पार्ट लेना होगा दिस इज़ पैक्ट ऑफ स्टील ये पैक्ट ऑफ स्टील बनाया तो ये आपने जो है एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि किस तरह से जो है आ, आ, जो मसोलि है उसकी जो आ, उसकी फॉरेन पॉलिसी है कैसे उसने एक्सपेंशन और डोमिनेंस किया तो ये आपने इसका ब्रीफ पॉइंट दे दिया फिर आप उसके बताओगे उसकी जो पॉलिसी uh, थी उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे तो मसोलि की जो फॉरेन पॉलिसी मोटिवेटेड बाय थ्री एस्पेक्ट्स पहला जो की फॉरेन पॉलिसी थी वो मोटिवेटेड थी बाय थ्री एस्पेक्ट पहला पहला वो कि वो बहुत ईगोइस्टिक था ईगोइस्टिक एटीट्यूड था उसके अंदर और एक अनअटेनेबल मतलब अनअटेनेबल एम था फॉर फॉरेन एक्सपेंशन मतलब कोई चीज पॉसिबल नहीं है एक्सपेंशन करना लेकिन उसके दिमाग में जो है अनअटेनेबल एम था फॉर फॉरेन एक्सपेंशन कि आप ये अटेन कर भी नहीं सकते लेकिन आप ऐसा एक एम बना लो कि जो अनअटेनेबल हो तो वो इसके दिमाग में था उसने हमेशा जो है ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट that italy did not have power for ex excessive foreign excess ex that italy did not have power for excessive foreign expansion मतलब उसने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इटली जो है वो अभी इतना मजबूत देश नहीं है कि उसके पास एक एक्सेसिव पावर हो फॉरेन एक्सपेंशन की वो एक बहुत ईगोइस्टिक एटीट्यूड था उसके अंदर और एक अनअटेनेबल एम था फॉर फॉरेन एक्सपेंशन तो मतलब जो मसल्ली की फॉरेन पॉलिसी थी वो मोटिवेटेड थी बाई थ्री एस्पेक्ट पहला एस्पेक्ट ये दूसरा ही ऑब्सेसिव नीड तो उसकी जो एक ऑब्सिव नीड थी कि जो नाजी जर्मनी है उसको सरपास करना क्योंकि ये दोनों जो है जो मसोल हो गया और जो हिटलर हो गया दे दे बोथ आर दे बोथ बिलीव इन फासिज्म तो फासेस में दोनों बिलीव करते थे तो इसकी मसौलने की एक ऑब्सेसिव नीड थी कि नाजी जो जर्मनी है उसको सरपास करना क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट अलाउ हिमसेल्फ टू बी ओवर शेडोड बाय अ न्यू फासिस्ट पावर तो वो चाहता नहीं था कि वो एक न्यू फासिस्ट पावर से जो है ओवर शेडोड हो जाए तो उसकी ये ऑब्सेसिव नीड थी उसको नाजी को जो है सरपास करना तीसरा ये था जो मसौली है ही नीडेड टू डिस्ट्रैक्ट इटैलियन पीपल फ्रॉम फेलियर ऑफ फास तो बेसिकली जो फासिज्म है उसकी फेलियर हो रही हो रही थी लेकिन जो मसौली था वो हमेशा जो अपने लोग हैं इटालियन पीपल हैं उनको हमेशा जो डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था और इस डिस्ट्रैक्शन के लिए उसे क्या चाहिए था एक 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 शॉर्ट वॉर चाहिए थी जिसमें जो वो अपने फासिज्म है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा सके कि नहीं इट स्टिल ग्रोइंग और इट्स स्टिल पावरफुल तो ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट इटेलियन पीपल फ्रॉम द फेलियर ऑफ द फास दीज आर द थ्री एस्पेक्ट जो उसकी फॉरन पॉलिसी थी मोटिवेटेड बाई दीज थ्री एस्पेक्ट्स अब फिर अब इसके बाद आप क्या करेंगे अब ये आपने जो है काफ़ी पॉइंट लिख लिया आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया फिर उसके बाद किस तरह से उसकी जो फ़ॉरन पॉलिसी है आपने उसको थोड़ा डिफाइन कर दिया फिर uh, उसकी फॉरन पॉलिसी जो मोटिवेटेड थी बाय थ्री एस्पेक्ट्स आपने उसको वो बता दिया नाओ व टू राइट द कंक्लूजन आप पूरे आंसर को जो है अपने आप आ, आंसर को जो है कंक्लूड करना है तो इसको आपको लिखना होगा तो आपको जो है कंटिन्यूएशन में ही लिखना पड़ेगा इस आंसर को तो आपको ये लिखना होगा कि अल्टीमेटली ऑल दो मसोनली हार्ड some minor successor with his foreign policy but his over confident management of italy internationally internationally was overall a large failure in his regime तो देखो मतलब जो मोलनी है उसने कुछ बहुत माइनर जो है सक्सेस जो हासिल की थी अपनी फॉरेन पॉलिसीज ने उसने कुछ एक्सपेंशन भी किया था उसने जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको सरपास भी किया था उनको सप्रेस भी किया था लेकिन उसका जो ओवर कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट था इटली को लेके इंटरनेशनली वो उसका जो है सबसे बड़ा फेलियर बना इन हिज रिजीम तो ये इसका जो है सबसे बड़ा फेलियर बना तो बेसिकली क्या था बेसिकली क्या था कि जो मसोलिनी था उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि ही वॉज अ बिगनिंग अ न्यू एरा इन इटालियन पॉलिसी मतलब उसने अपने आप को क्या कन्विंस कर लिया था कि वो इटालियन पॉलिसी में जो है एक न्यू एरा को जो है बिगिन कर रहा है एक न्यू एरा को बिगिन कर रहा है अगर ये क्वेश्चन ये आ जाए क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि इसके फेलियर के क्या क्या कॉजेज हैं तो आप ये कंक्लूजन वाली लाइनें लिख सकते हैं और दूसरा ये है अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि फेलियर के जो है क्या कॉज हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि बेसिकली उसको लगता था कि जो उसकी की जो इटालियन फॉरेन पॉलिसी है उसने जो है उसका एक न्यू एरा बिगिन किया है उसने जो अपने गोल थे उनको बहुत रेंटलेसली और रेकलेसली जो है परस्यूट किया पर्टिकुलरली इन नाइनटीन थर्टीज़ तो नाइनटीन थर्टीज़ के बाद जो उसने अपने गोल्स थे जितना भी जो चीज़ें थी उनको जो बहुत ही रेकलेसली जो है उसने प्रस्यूट करने की कोशिश करी आप इसको देख सकते हैं कि जैसे इथोपिया के ऊपर जो है उसने मतलब उस उसको उसको सरपास करने की कोशिश करी उसको डिफ़ीट करने की कोशिश करी तो ये भी जितनी सारी चीज़ें थी उसने बहुत ही अपने गोल जो है उसके रेंटलेसली और रेकलेसली जो है उसको प्रसुएट करने की कोशिश करी और इस वजह से जो है उसने फाइनली जो है ही लेड डिजास्ट्रियस वॉर और जिसकी वजह से जो है फासिज्म का जो है कलेप्स हो गया तो मतलब ये है कि जबरदस्ती क्या है किसी कंट्री को जबरदस्ती वॉर के हाथों में सौंप देना और उसकी वजह से जो ये फासिज्म है उसका भी कोलेप्स हो गया और मसौली का तो कोलेप्स हो ही गया तो बाद में क्या था उसके लोगों ने उसको वहाँ से ओवर थ्रो करने की कोशिश करी एंड फिर उसके बाद में तो मतलब जो फासिज्म है उसका कोलेप्स हो गया अब देखिए क्वेश्चन हम एक इसमें कीवर्ड है फासिज्म वो तो वो देख लेते हैं फासिज्म क्या होता है तो फासिज्म के जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक हैं कि कोई भी आ, किसी भी कंट्री को किसी भी रिजीम को जो है फासिज्म रिजीम क्या कहते हैं तो बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ देखो ये आप लिख लो कभी कभी ना डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है कि आप फासिज्म को डिफाइन करिए और कौन कौन से जो है आ, हिस्ट्री में ऐसे लीडर रहे हैं जो इसको फॉलो करते हैं और इस टाइप से आ, उनके एग्जाम्पल दीजिए तो आप जैसे ये डेफिनेशन आए तो आप ये देख सकते हैं तो इट्स अ फॉर्म ऑफ रेडिकल ओ थैरिटेरियन तो कोई भी रेडिकल अथॉरिटी जो है uh, किसी भी चीज़ की रेडिकल अथॉरिटी है उसको फॉर्म को उसको फासिज्म कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो नेशनलिज्म होता है वो अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है एकदम कट्टर जो आप बोलते हो कट्टर नेशनलिज्म इसमें होता है जो पावर होती है वो डिक्टोरियल पावर होती है तो मतलब द बेसिकली दे कंसिडर देन सेल्फ एज अ डिक्टेटर्स तो डिक्टेटरशिप जो है वो उसको फॉलो करते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है बिल्कुल एकदम कट्टरवाद होता है फॉर्म ऑफ रेडिकल जो अथॉरिटी होती है वो बहुत रेडिकल होती है और क्या होता है इसमें फोर्सबल सप्रेशन ऑफ अपोजिशन मतलब जबरदस्ती का जो है अपोजिशन को जो है फोर्सिबली सप्रेस करना और इसमें क्या होता है एक स्ट्रोंग स्ट्रिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी तो जो सोसाइटी और इकोनॉमी है उसमें एक बहुत ही स्ट्रोंग स्ट्रिक्ट सिस्टम जो है वो फॉलो होता है तो ये सारे जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑफ फासिज्म अगर आपके ऊपर कभी आपके पास कभी भी फासिज्म की डेफिनेशन आए और कुछ आए तो आप जो है ये कैरेक्टरिस्टिक जो है लिख सकते हैं ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं फासिज्म के तो आप इसको ध्यान रखिएगा अच्छा तो आपको मुझे लगता है ये आंसर समझ में आ गया होगा तो आप जो है इसको लिखने की कोशिश करिए पूरे आंसर्स को लिखने की कोशिश करिए इसको कंपाइल करिए और थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट